हनी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पे और मेरे किचन में भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवा तो बहुत प्रकार से बनता है। मैंने भी बनाया है, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के हलवे की रेसिपी उपलब्ध है। लेकिन एक आज हम बना रहे हैं एक यूनिक हलवा, जो कि बना है पपीते के साथ और बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो फिर चलिए फिर देख लेते हैं पपीते का हलवा किस प्रकार बनाया जाता है। पपीते का हलवा बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हलवा बना रहे हैं पपीते का, तो मैंने लिया है पपीता। तो एक पपीता मैंने ले लिया मीडियम साइज का। तो देख सकते हैं ये पपीता क्या कई बार ऐसे कच्चा निकल जाता है, मतलब बिल्कुल कच्चा तो नहीं है, ये एकदम कच्चा तो हरे रंग का होता है, लेकिन ये अध कच्चा है बीच में से, मतलब थोड़ा एकदम सॉफ्ट नहीं है और ज्यादा मीठा भी नहीं है, तो थोड़ा कड़क भी है। तो इसको मैंने काट के और छील के रख दिया, और बीच का ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है वो भी हटा दिया है। अब क्या करूंगी मैं, इसको कद्दूकस कर लूंगी। वैसे तो आप मैश भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा कड़क है तो मैं इसको कद्दूकस कर दूंगी और फिर हम इसका हलवा बनाएंगे। पपीते के बाद बारी आती है यहाँ पे फ्लेवर की। तो फ्लेवर के लिए मैंने इलायची रख दी है, 5-6 इलायची को मैंने कूट के रख दिया है। साथ ही साथ कंडेंस मिल्क रखा है एक छोटा बाउल। इसमें क्या है कि मैं शुगर नहीं डालूंगी, आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप मलाई डाल सकते हैं या मावा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा दूध भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, इसका ये फायदा होगा कंडेंस मिल्क मेरे पास पड़ा है और इससे शुगर भी नहीं डालनी पड़ेगी, मावा कुछ नहीं डालना पड़ेगा, दोनों की कमी ये पूरी कर देगा। तो मैं एक बाउल ये डाल दूंगी। साथ ही साथ थोड़ा घी लिया है मैंने, तो घी में हम इनको हल्का सा पहले भून लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा केसर रखा है, थोड़ा सा केसर डालेंगे। तो आप चाहे तो विदाउट केसर भी बना सकते हैं इलायची डाल के, इससे क्या होगा थोड़ा सा कलर तो और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो पपीता हमारा येलो कलर का, और भी कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो मैं इसमें केसर डालूंगी और इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट, ये मिक्स काजू बादाम पिस्ता सब मैंने बारीक करके मिक्स करके रख दिया है, तो ये भी मैं थोड़ा डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, विदाउट ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पपीते का हलवा बनाना। तो हलवा बनाने से पहले इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए आप कद्दूकस से ये मोटे वाले जो छेद होते हैं उससे हम इसको ग्रेट कर देंगे। ये देखिए आप इस तरह से निकल जाएगा ये। पपीते का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, अब इसमें घी डाल दूंगी। तो मैं ये 2 चम्मच अभी घी डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये जो पपीता रखा है कद्दूकस करके वो डाल देंगे, क्योंकि जैसे हम गाजर को भी मैंने हलवा बताया है, कई लोग खाली दूध में पका के बनाते हैं, मैं उसको गाजर को भी थोड़ा सा घी में फ्राई कर देती हूँ। बाद में नहीं डालना पड़ता है, एक बार घी डाल देते हैं, कम होता है तो बाद में और डाल देते हैं। तो गाजर के हलवे की रेसिपी 2-3 तरीके से मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वो भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको भी हम घी में भून लेंगे थोड़ा, और जैसे कि गाजर में थोड़े रेशे कड़क होते हैं हल्के से, तो दूध में पकाते हैं थोड़ा पका के फिर मावा वगैरह डालते हैं। और जैसे ये है पपीता तो ऑलरेडी सॉफ्ट ही होता है, और ये पपीता जो थोड़ा जैसे कच्चा नहीं है पूरा, हल्का भी अध पका है ये, तो ये सॉफ्ट ही है। तो इसको कद्दूकस कर लिए, तो देखिए बिल्कुल इसके अभी थोड़ा घी में भून लेंगे तो गायब हो जाएंगे रेशे भी, और ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो गाढ़ा दूध डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं, यानी कि मावा कद्दूकस करके। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं यदि आपके पास है तो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। उससे क्या होगा कि इसमें शुगर भी डालने की जरूरत नहीं, तो आपको शुगर डालनी पड़ेगी हल्की सी। वैसे तो ऑलरेडी पपीता थोड़ा हल्का मीठा है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आप लोग मीठा खाते हैं तो डाल सकते हैं, शुगर फ्री पाउडर भी डाल सकते हैं आप। और मैं डालूंगी इसके अंदर कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क एक गाढ़ा दूध ही होता है, तो उसके अंदर वो मावे वाला फ्लेवर भी आ जाएगा और मीठापन भी आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था तो मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, और जैसा मैंने बताया आपको और दूसरी चीजें तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर वो डालें तो थोड़ी शुगर डाल लें आप साथ में, या फिर शुगर फ्री पाउडर भी डाल सकते हैं जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं, डायबिटिक हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा भूंज लेंगे इसके अंदर। जब तक थोड़ा गीलापन है इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ, आप चाहे तो हल्के से 1 चम्मच दूध में भी घोल के डाल सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा केसर का इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा और साथ में पकेगी तो कलर भी आता रहेगा इसके साथ। तो बस अब इसको घी में थोड़ा भून लेते हैं हम। केसर डालने के बाद थोड़ा सा हमने पका लिया, अब इसमें इलायची भी डाल देंगे तो उसमें फ्लेवर आ जाएगा, और साथ ही साथ ये नट्स भी डाल देती हूँ, थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे ये। तो नट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, यानी कि हमारे ड्राई फ्रूट।
ड्राई फ्रूट इलायची कैसा है सब डल गया है। आप देख सकते हैं किनारे पे थोड़ा घी छूट गया है इसमें, ये देखिए आप। तो इसका पानी सूख गया है, भूंज गया है ये, और सॉफ्ट तो वैसे ही था, और भी सॉफ्ट हो गया है। अब गैस को धीमा करके जितनी कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होगी मीठा होने के लिए हम उतना डाल देंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद वापस से घी छूट गया है। यदि आप लोगों को लगे थोड़ा सा घी कम है तो एक दो चम्मच आप ऊपर से डाल सकते हैं। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ, घी प्लेट में चिकना पड़ा रहे, और बिल्कुल उतना ही घी डालती हूँ हर में हलवे वगैरह में कि बस बराबर का हो और ज़्यादा चिकना भी नहीं हो। आप देखें, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूखा सूखा होने लग गया। ये बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है हमको। तो ये देखें आप, कंडेंस मिल्क भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट इलायची सब डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लिया। आप चाहिए तो, यदि आपको कलर थोड़ा और डार्क चाहिए और जैसे हल्का है तो थोड़ा सा फूड कलर दूध के अंदर घोल के आप डाल सकते हैं इसके अंदर। नहीं तो वैसे ऑलरेडी थोड़ी सी मैंने केसर डाली थी उसका भी कलर आ गया, और पपीते का भी कलर है, मैंने नेचुरली रखा है इसको। तो अब आप देख सकते हैं हलवा रेडी हो गया है। तो बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, घी भी छूट गया है और हमारा हलवा एकदम तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसका गैस ऑफ कर देती हूँ मैं। गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, और भी कई तरह के हलवे खाए होंगे, सभी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन आज आप पपीते का हलवा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत जल्दी बन गया कंडेंस मिल्क डालने के कारण। तो अब इसको हमने परोस दिया है, और परोसने के साथ ही थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे पिस्ता कतरन। तो जब भी आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा डाल देंगे तो इसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, पपीते का हलवा बनाना कितना आसान है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। जब आप इसे बना के खाएंगे तब आपको पता चलेगा। यदि आपने पपीता, वैसे तो स्पेशली आप पपीता हलवे के लिए ला सकते हैं, लेकिन यदि आपने पपीता ले लिया है और कच्चा थोड़ा सा अध कच्चा निकल गया, थोड़ा कड़क भी होता है, थोड़ा कम मीठा होता है, तो आप उसको कद्दूकस करके या मैश करके हलवा बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और स्पेशली हलवे के लिए भी खरीद के ला सकते हैं पपीता, और फिर उसका बना सकते हैं। जैसे कि हम गाजर का बनाते हैं, दाल का बनाते हैं, सूजी का, आटे का, बहुत तरह से हलवे बनते हैं। तो वो सब भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जैसा मैंने पहले बोला। और ये भी एक प्रकार का हलवा है जो कि बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमागड़ी।